हमारे साथ इस वक्त मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा हैं। सांगमा साहब, पिछले 5 सालों से जो आपके दोस्त रहे वो इस वक्त आपके विरोधी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग हर चुनाव में, आपने देखा होगा कि जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, हम लोग इसमें बिलीव करते हैं कि हमें इलेक्शन में अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पे हमें इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। तो जो जो हमारे विजन्स हैं, पॉलिसीज हैं, इन सबको हम लोग आगे रखकर हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पीपल अलायंस में हमारा वो आइडियोलॉजी डाइल्यूट हो जाता है। तो हमारा मानना है कि इलेक्शन हमें अपने उस पर पोजिशन पर लड़ना चाहिए। इलेक्शन के बाद डिपेंडिंग ऑन द मैंडेट कि पब्लिक क्या मैंडेट देती है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो इस इलेक्शन में नहीं, पहले भी मणिपुर इलेक्शन में भी, पिछले बार मेघालय इलेक्शन में भी, उसके पहले मिजोरम इलेक्शन में भी, अरुणाचल में भी, नागालैंड में भी, हर इलेक्शन में हम लोग अपने उस पर पोजीशन में हम लोग लड़े हैं और हमारा कभी पीपल अलायंस नहीं हुआ। अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि लगातार कई दशकों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, तो अगर ज़रूरत पड़े क्या पुराने दोस्तों के हाथ थामना पसंद करेंगे या नए दोस्त ढूंढेंगे? नहीं, अभी देखते हैं, वो जब समय आएगा तब सोचेंगे उसके बारे में।